अफ्टरनून के 12 बज गए, अभी तक लंच नहीं बनाया। बस मैंने चावल और दाल सोक करके रख दिया था, मिक्स दाल बना रही हूँ तो वो मैंने इंस्टेंट पॉट में चढ़ा दिया है 10 मिनट्स के लिए। प्रेशर कुक हो जाएगा एकदम घुली हुई दाल, और फिर अच्छे से मसाला डाल के बस उसको मिलाऊंगी। और बना रही हूँ इंस्टेंट बैगन का भरता, और ये कद्दू भी ज़्यादा दिन अगर रखूँ ना तो मीठा हो जाएगा, तो मैं सोचू इसको भी बना के रख दूँ। एक नई रेसिपी दिखाऊंगी आप लोगों को, ये बिहार और बंगाल की रेसिपी है, काले चने से बनती है, सूखी सूखी सब्जी होती है बट बहुत अच्छा बनता है। और ये मकर संक्रांति में बिहार में खाया जाता है, दही चूड़ा और ये वाली कद्दू की सब्जी। एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो कोई नाम है या नहीं, बट मम्मी हमेशा बनाती थी कद्दू और काले चने की सब्जी। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, कैसे हो आप लोग, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? मैं तो सुबह से येशा कियोश के साथ बिजी थी, और येशा के जो स्कूल से वर्कशीट्स आते हैं ना, स्पेशली रीडिंग और राइटिंग वाले, आई स्वेयर मेरी भी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है। वो पिक्चर देख के उसको एलैबोरेट करो, स्टोरी पढ़ के उससे कनेक्शंस बनाओ, बस फुल टाइम टीचर ही हो गए अब तो हम। और मुझे ना विंटर्स के क्लोथ्स उठा के रखने हैं सूटकेस में, और समर्स के निकालने हैं। बाहर नहीं जा सकते तो बाहर के कपड़े घर पे ही पहनो ना, लेकिन ये एक्स्ट्रा काम करने का ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाफ बच्चों के पीछे स्टडी में चला जाता है, फिर कुकिंग करो, फिर घर की क्लीनिंग, और इवनिंग होते होते फिर मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है, फिर कोई एक्स्ट्रा काम मुझसे होता नहीं है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ आज जितना ज़्यादा हो सके ना कुकिंग करके रख लूँ, ताकि कल का फर्स्ट हाफ मुझे थोड़ा सा फ्री मिले और फिर मैं कपड़े ऑर्गेनाइज करूं। बहुत ही अच्छा बैगन है ये तो, बेगुन भाजा खाने वाला बैगन है। जो मैंने लास्ट टाइम बैगन का भरता बनाया था ओवन में, तब आप ही लोगों ने सजेस्ट किया था ये वाला इंस्टेंट बैगन का भरता बनाने के लिए, तो मैंने सर्च किया और फिर एक दो बारी ट्राई भी किया है। बहुत जल्दी बन जाता है, डेफिनेटली टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि आप वो आग में भून रहे हो। अगेन आग में लाइक गैस पे भून के बनाओ उसका अलग टेस्ट होगा, ओवन में बनाओ उसका डिफरेंट होगा, और ऐसे कट करके बॉयल करके बनाओगे उसका अलग टेस्ट होगा। बट हाँ, ये इंस्टेंट बैगन का भरता है, कभी कुछ जल्दी बनाना हो तो उसके लिए ये प्रोसेस अच्छा है। इंडिया में मोस्टली बैगन काटो तो उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े मिलते हैं, तो बैगन के भरते में वो पूरा भुन जाता है, दिखता नहीं है। वैसे मुझे आज तक यहाँ पे कनाडा में मिला नहीं है कीड़े वाला बैगन, बट सही है फॉर द सेफर साइड अगर देखा जाए तो, ये आप कट करके बैगन फिर बॉईल कर रहे हो तो आपको दिख रहा है कि अंदर की स्थिति क्या है। जब तक दाल बॉयल हो रहा है यहाँ पे मैं उसका मसाला बना रही हूँ। घी डाला है और थोड़ा सा तेल, ताकि घी जले ना। घी हो गया है गर्म, इसमें डाल दिया है जीरा, अनियन, जिंजर गार्लिक, और अब बस मसाले को अच्छे से भुनना है। नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी, अच्छे से धनिया पाउडर, बिना कंजूसी के, ख़त्म हो गया है पूरी शीशी, उलट दो। और थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ मैं ये MDH का मीट मसाला, ये वेजिटेरियन मसाला होता है, इससे बहुत ही अच्छा कलर भी आता है और टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। अब टमाटर भी डाल दिया है और ये दाल भी अच्छे से बॉईल हो गई है। यहाँ पे टमाटर को मैंने हल्का सा बस कट लगा दिया है, तो बैगन और टमाटर को इंस्टेंट पॉट में मैं प्रेशर कुक कर रही हूँ 5 मिनट्स के लिए। अगर आप प्रेशर कुकर में कर रहे हो ना तो 2 सीटी लगा लेना बस, और बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैं सोच रही हूँ जैसे बिहार में बैगन का चोखा बनता है ना, वैसे आज भरता बना लूँ। उसमें ना फ्राई नहीं करते हैं बैगन को, सब कुछ कच्चा कच्चा काट के डालते हैं, बट उसमें सरसों का तेल डलता है लास्ट में, तो कच्चा सरसों का तेल अनुज को उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है, तो मैं थोड़ा सा सरसों के तेल को गर्म कर लूँगी, लाइक स्मोक आ जाएगा, उसके बाद उसको ठंडा करके फिर डाल दूँगी। और खूब सारा धनिया पत्ती डलता है, बहुत टेस्टी लगता है।
बैगन और टमाटर अच्छे से बॉईल हो गया है, बस मैं टमाटर का ऊपर वाला छिलका निकाल लूँगी। काफ़ी सॉफ्ट हो गया तो बहुत इजीली छिलका निकल जाएगा। आप चाहो तो बैगन का भी छिलका निकाल सकते हो, बट मैंने नहीं निकाला। और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, बहुत इजी होता है मैश करना, इतना सॉफ्ट हो जाता है ना। फिर खूब सारा धनिया पत्ती ऐड किया है, जिंजर गार्लिक, अनियन, रेड अनियन डालना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और नमक, मसाले में बस नमक पड़ता है और कुछ भी नहीं। और लास्ट में सरसों का तेल, मैंने इसको अच्छे से गरम करके ठंडा कर लिया था। और इन केस आपके पास आलू है ना, मेरे पास बॉइल्ड आलू था तो मैंने वो भी मैश करके डाल दिया। एक बारी ये वाला बैगन का भरता जरूर ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी लगता है। टमाटर ज्यादा डालना, खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। और अदरक लहसुन का वो कच्चा वाला स्वाद, वो भी मजेदार। ग्रीन चिली है नहीं, ऊपर से ग्रीन चिली डाल के और भी मजा आए। और यहाँ पे केयूष खा रहा है मैंगो, कैसा है? गुड है। बहुत ज़्यादा खट्टा है ये वाला मैंगो, अनुज लेके आए उस दिन इंडियन स्टोर से, और इतना ज़्यादा खट्टा है ना ये, और ये मुझे नहीं लगता मीठा होने वाला है। और इसका मैंगो शेक भी बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा चीनी डालना होगा। मुझे तो मैंगो मीठा ना होना तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और मुझे तो यहाँ का मैंगो अच्छा ही नहीं लगता। अल्फांजो फिर भी अच्छा होता है, बट वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, एक दो बारी खा लो। इसको बॉइल करके एक और सर्च कर, वो कच्चा कच्चे आम का, ये कच्चा ही है, ये दिखने में येलो है, कच्चा ही है। हाँ एक्चुअली एकदम कच्चे आम वाला ही, बट पता नहीं टेस्ट नहीं आएगा उसमें। चलो बना लेते हैं, थोड़े से का बना के देखूंगी, नहीं तो फिर वेस्ट होगा। आम खाना हो तो इंडिया का आम, बिहार का आम, मालदा आम, लंगड़ा आम खाया ना आपने, कोलकाता का, और जब हम मुजफ्फरपुर गए थे तब भी खिलाया था आपको? नहीं आम खाए नहीं। जून समझते नहीं गए हम कभी? हाँ जी, मुजफ्फरपुर का तो वैसे भी आम और लीची ना बहुत ज्यादा फेमस है। गर्मियों में तो सब्जियां बनती नहीं थी, रोटी और आम दोनों मुझे एक भी नहीं खिलाया। अच्छा, तो गर्मियों में आप गए ही नहीं हो, तो आपकी गलती, आप नहीं गए हो मुजफ्फरपुर गर्मियों में इसीलिए। बट मुझे याद है आपने खाया है यार, दिल्ली रहते मम्मी एक दो बारी ना लेके आए थे, जब आए थे वहां से आपने खाया। जीरा, मेथी, ब्लैक मस्टर्ड सीड, रेड मिर्च, बे लीफ, सिनेमन स्टिक, इलायची और लौंग। सरसों के तेल में ही बनाएंगे, और अभी हींग डाल रही हूँ मैं। जिंजर गार्लिक, सॉल्ट, हल्दी और कश्मीरी चिली पाउडर पहले डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। टमाटर, मैंने काले चने सोक करके रखे थे, डायरेक्ट मैं ऐसे ही डाल देती हूँ कच्चे, बॉयल नहीं करती। अगर आप चाहो थोड़ा सा बॉयल कर लो। धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा गरम मसाला पाउडर। मसाले में अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब मैं इसको ढक के कुक करूंगी ताकि चने भी थोड़े कुक हो जाए और पम्पकिन भी सॉफ्ट हो जाए। और लास्ट में मैंने थोड़े से कद्दू मैश कर लिए, इससे अच्छा टेस्ट आता है। और मुझे अब फील हो रहा है कि तेल मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया है, और लास्ट में बस कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। केयूष ने खाया बैगन का भरता? हाँ अच्छा लगा। लंच हो गया, अब थोड़ी देर मैं आराम करूंगी। और आज बहुत मजा आया बैगन का भरता खा के, बहुत दिनों बाद बनाया था बैगन का भरता, और बैगन बहुत अच्छा था। बैगन अच्छा होना तो उसकी कोई भी सब्जी बनाओ अच्छा ही लगता है। और कल ना संडे को, बाय द वे आज मंडे है, तो संडे को हम बहुत दिनों बाद, लाइक एक मंथ से ज़्यादा हो गया था, हम बाहर नहीं गए थे कहीं पे भी वॉक के लिए। अनुज तो फिर भी कभी कभी चले जाते थे, यहाँ पे वॉक करना अलाउड है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी पोस्ट की थी, तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि वेटिंग फॉर दिस व्लॉग, तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग किया था वहाँ पे। तो चलो फिर मैं करती हूँ आराम, और आप लोग जाओ ननाइमो की वादियों में, नेचर को थोड़ा सा एंजॉय करके आओ।
tips I need to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. घर के पास में एक वैली है, सिंसी वैली करके, यशा के स्कूल के पास. वो एक बारी फील्ड ट्रिप पे गई थी तो वहीं पे आए हुए हम. और यशा के स्कूल से इनफैक्ट प्रोजेक्ट आया था कि एज अ फैमिली किसी ट्रेल पे वॉक पे जाओ और फन करो और पिक्चर क्लिक करके पोस्ट करो. और हमेशा जब भी मैं बाहर जाती हूँ क्वेश्चन आते हैं, आप मास्क क्यों नहीं पहनते. तो यहाँ पे आइलैंड पे ननाइमो में बिल्कुल केसेस नहीं है और ये बिल्कुल सेफ है. कनाडा में बहुत सारे केसेस हैं बट अफेक्टेड प्रोविंसेस हैं ओंटारियो और क्वेबेक. ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत कंट्रोल में है और यहाँ पे कोई एज सच इमरजेंसी या लॉकडाउन नहीं है हमारी सिटी. बट हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को बोला है और वो हम डेफिनेटली कर रहे हैं. यहाँ पे वैसे भी पॉपुलेशन बहुत कम है तो आप देख सकते हो आसपास कोई भी लोग नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है. और हल्की हल्की रेन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, थोड़ा और जल्दी आना चाहिए था. सुबह अच्छा सनी था, अभी भी मतलब सुबह ही है बट अर्ली मॉर्निंग अच्छा सनी था. बट बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेश एयर में आके और चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी और क्लाउड्स, ब्लू और ब्लैक क्लाउड्स. और केयूष बोलता है इट्स नाइस टू बी आउट. और हल्की रेन स्टार्ट हो गई तो अनुज बोल रहे हैं कि रेन स्टार्ट हो गया तो केयूष बोलता है आई डोंट माइंड. केयूष कैसा लग रहा है आपको बाहर आके? गुड. इट्स नाइस टू बी आउट. सही में हम बहुत थैंकफुल है कि हम ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे की केसेस बहुत कंट्रोल में है और लोगों ने अच्छे से मैनेज किया है, मेंटेन किया है और हम सब सेफ हैं और थोड़ा सा तो एटलीस्ट बाहर निकल सकते हैं फ्रेश एयर में. ये देखो कितना सुंदर लग रहा है नहीं. और यहाँ पे वैली है तो पानी की आवाज़ तो आएगी ही. इवनिंग हो गए, आजकल आफ्टरनून में हम लोग मस्त आधे घंटे के लिए सो जाते हैं. सारी आदतें ना खराब होती जा रही है. पहले अगर आपको याद हो मैं बोलती थी कि मैं दिन में सोती हूँ तो लेजी लेजी फील करती हूँ, बट आजकल कुछ नहीं होता, फिर रात को लेट हो जाता है सोने में. लेट क्या होता है, पूरे दिन काम में लगे रहो ना तो जब बच्चे 8:30-9 बजे तक सो जाते हैं तो फिर मैं रिलैक्स करती हूँ, चिल करती हूँ. कुछ भी हम लोग मूवीज देखते या फिर कोई सीरीज देखते और इसी चक्कर में लेट हो जाता है तो इसीलिए दिन में आती है नींद, क्योंकि मॉर्निंग में तो टाइम से ही उठना होता है. तो एनीवेज अब बनाते हैं चाय और डिनर तो बन ही चुका है. कद्दू की सब्जी और थोड़ा सा दाल मैं आटे में डाल के गूंद लूंगी और थोड़ा सा आलू भी है मेरे पास तो बच्चों के लिए पराठा हो जाएगा इन केस वो पम्पकिन नहीं खाते. डिनर हो गया, कद्दू की सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, बस थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया था तो तेल मैंने साइड करके निकाल लिया था और बच्चों को दिया बट केयूष ने तो खाया नहीं, एक बाइट लिया और फिर नहीं खाया, बोलते नो. फिर आलू का पराठा खा लिया यशा केयूष दोनों ने, यशा ने थोड़ा सा टेस्ट किया. यशा को फिर भी पुश करो ना तो वो खा लेती है, लाइक उसको अच्छा लगे या ना लगे खा लेती है. केयूष के मर्जी के बिना आप उसको कुछ नहीं खिला सकते हो. तो बस अभी ये सारे कपड़े मुझे फोल्ड करने हैं और उसके बाद थोड़ा बेडरूम भी क्लीन अप करूँगी. पता नहीं दिन में कितनी बार क्लीन अप होता है बट फिर से मैसी हो ही जाता है. अब क्या कर सकते हैं, क्वारंटाइन डेज के साइड इफ़ेक्ट्स. और थोड़े से ना लीनियंट होना ही पड़ता है ऐसे टाइम पे. लाइक बच्चों को आप पहले जैसे नॉर्मली डिसिप्लिन करते थे वैसे अभी के टाइम में नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा लीनियंट तो बनना ही पड़ा. एनीवेज आई होप आप लोगों ने ये सिंपल सा फूड ब्लॉग लंच डिनर इन्जॉय किया होगा. आजकल कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ना कहीं बाहर जाते हैं, ना कोई न्यूज़ होती है ऐसे स्पेशल वाली कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ या बातें करूँ. अगर बातें करने बैठो तो वही कोरोना कोरोना चारों तरफ और क्या बातें करूँ यार, सबको पता है क्या सिचुएशन है. और
नो वन नोस की कब तक क्या ठीक होगा। ये आ गया हमारा बच्चा पार्टी। स्वीटी पार्टी कैसा लगा पम्पकिन की सब्जी? यम्मी था। केयूष निन्ने ओ बहुत निन्ने आया। हमने बाबा देखा। खूब हिंदी बोलती है आजकल ये शाह। घर पे रहने का ये बहुत बड़ा एक फायदा हो रहा है कि हिंदी बोल रही है। तो चलिए आज का मेन्यू अगर अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग awesome memories. Keep making lots of memories, guys. Bye-bye. Bye-bye. This morning half so clear a light as any, to see the horizon and the far. Excuses were too far.